संतान चाहिए लुलार्क कुंड आइए। मान्यता है कि वाराणसी के लुलार्क कुंड में स्नान करने से दंपत्ति की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। कैसे इस विशेष अवसर पर लग जाती है कुंड पर श्रद्धालुओं की भीड़, क्या है इसके पीछे पौराणिक मान्यता, देखिए इस रिपोर्ट में। वाराणसी में घंटों लाइन में खड़े ये लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, लेकिन ये कतार किसी अस्पताल तक नहीं बल्कि एक कुंड तक जाती है जिसका नाम है लुलार्क कुंड। मान्यता है कि लुलार्क छठ पर इस कुंड में नहाने से निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। वाराणसी के लुलार्क कुंड पर मान्यता है कि जो दंपत्ति यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए आता है और यहाँ पर पूरे नियमों का पालन करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है, और इसी लालसा के साथ पूरे देश भर से आज यहाँ पर लाखों दंपत्ति जुटे हुए हैं जो संतान प्राप्ति की कामना को लेकर के वाराणसी के लुलार्क कुंड में पहुँचे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी मन्नत पूरी हुई है, मुराद पूरी हुई है, तो मुराद पूरी होने के बाद वो अपने संतान का जो मुंडन है उसे कराने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल लाखों की संख्या में यहाँ पर तादाद है जो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे हुए हैं। करीब 15 फीट चौड़ा और 50 फीट गहरा ये कुंड है। शहर के बधेनी थाना क्षेत्र स्थित ये कुंड आस्था का बड़ा केंद्र है, खासकर उन जोड़ों के लिए जिनके बच्चे नहीं होते। कुंड के साथ ही लगा भगवान महादेव का एक प्राचीन मंदिर है जिसे लुलार्क मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान सूर्य ने महादेव की पूजा के बाद इस कुंड और मंदिर की स्थापना की थी। मान्यता तो प्राचीन है, संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए लोग स्नान करते हैं और शरीर में चर्म रोग या जो भी हो उसके लिए लुलार्क षष्ठी पर्व में स्नान होता है। संतान प्राप्ति के लिए एक फल लेते हैं जो आजीवन पति पत्नी खाएंगे नहीं, फल और सास सुई रहेगा, उसको आजीवन पति पत्नी खाते नहीं हैं, उसका संकल्प पूजन करके उसके बाद स्नान करते हैं। जो कपड़े पहन के नहाते हैं वो कपड़ा छूट जाता है, छोड़ देते हैं। उसके बाद मंदिर में आके मन्नत करके वहाँ से बाबा के आशीर्वाद लेते हैं, गोद भरवाते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो लगभग हर साल कितने लोग आते हैं? लगभग हर साल 4 से 5 लाख लोग स्नान करते हैं। इसमें लुलार्क छठ के मौके पर स्नान का बड़ा ही महत्व होता है और ऐसा माना जाता है कि इस अवसर पर यहाँ स्नान करने से निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति होती है। इस मौके पर लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर आते हैं कि यहाँ स्नान करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, संकल्प कराना पड़ता है उसके पहले। क्या मान्यता लेके आए हैं आप? पुत्र की कामना लेके आए हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए आए हैं। पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु आए हैं हम, यहाँ चंदौली से आए हैं। मैंने यहाँ बहुत सुना है, इसके बारे में सुना है कि यहाँ नहाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे पुत्र या पुत्री कुछ भी संतान चाहिए, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ। भगवान में आस्था है, उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही होगा। मेरी यही मानता है कि मैं एक संतान की इच्छा को लेकर आई हूँ और लुलार्क कुंड में स्नान करना चाहती हूँ और महादेव से विश्वास करके साथ आई हूँ कि मेरे को भी, सबको ईश्वर देता है संतान, मेरे को भी मेरी गोद भर दे और मेरे को भी एक बच्चा दे दे। यहाँ का ये मान्यता है कि जिसको निसंतान दंपति है वो यहाँ पे आए हैं तो उनको बच्चे होते हैं, जिसके बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं वो भी आके नहाते हैं, चर्म रोग जिसको है वो भी आके स्नान करता है और भगवान लुलार्केश्वर महादेव जी का दर्शन करता है। सबकी मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड भी उस साल आई थी तो 9 मंथ ही हुआ, उसको बेबी हुआ। यहाँ पर मान्यता है कि जो भी यहाँ स्नान करता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, तो इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं, साल में एक बार आता है और यहाँ बहुत 3 दिन से लोग लगे रहते हैं और बहुत लंबी लाइन रहती है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुंड में लोगों के स्नान का सिलसिला चलता रहता है। दूर दूर से जो दंपत्ति हैं वो एक ही मान्यता को लेकर यहाँ पर आते हैं कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सके, संतान की प्राप्ति हो सके, और इसी मान्यता के तहत लुलार्क कुंड के इस कुंड में स्नान करते हैं। और जब स्नान करते हैं तो अपने वस्त्र जो है यहीं पर त्याग कर नया वस्त्र पहनकर यहाँ से जाते हैं और साथ में एक फल लेकर जाते हैं जो फल कभी वो खाते नहीं बल्कि उसे रखा जाता है पूजन के तौर पर, और फिर जब उन्हें संतान प्राप्ति की मुराद पूरी होती है तो फिर यहाँ पर आकर के वो अपनी मन्नत पूरी की पूजा भी करते हैं। तो फिलहाल लाखों की संख्या में यहाँ पर जो दंपत्ति है वो पहुँचे हुए हैं संतान प्राप्ति की कामना को लेकर के। इसके साथ ही यहाँ पर किसी तरीके का रोग चर्म रोग भी ठीक होता है ऐसी मान्यता है इस कुंड में स्नान करने से। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।